डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, ईआरएसओ परियोजना की शुरुआत। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ईआरएसओ पर प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की। ईआरएसओ का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग है। इसका मकसद भारत को वैश्विक स्तर पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी उत्पादों के लिए सबसे आकर्षक मरम्मत गंतव्य बनाना है। ये प्रयोग बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ये 3 महीने की अवधि के लिए चलाया जाएगा। प्रयोग के बाद एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया और नीति में संशोधन किए जाएंगे। गौरतलब है कि अगले 5 वर्षों में भारत के ईआरएसओ उद्योग से भारत को $20 बिलियन तक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इस परियोजना की पहचान भारत के लिए एक बड़े परिवर्तनकारी कदम के रूप में की गई है। साथ ही अब तक अप्रयुक्त क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए इसे सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। ईआरएसओ पहल वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता हेतु एक बड़े परिवर्तनकारी कदम के रूप में पर्यावरण और पृथ्वी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है। ये कार्यक्रम विश्व के लिए आईसीटी उत्पादों की सस्ती और विश्वसनीय मरम्मत प्रदान करके विश्व स्तर पर उपकरणों के जीवन का विस्तार करने में सक्षम होगा।